छोटी बीबी मुझे बचा लीजिए। वो वहां पहुंच गया, वो अमल शुरू करने वाला है, मेरी मदद कीजिए खुदा के लिए, कुछ करें। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बताओ। पहले वादा कर के इस लड़के का पीछा छोड़ देगी, तंग नहीं करेगी इसे, हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चली जाएगी तू, वादा कर। ये कैसे? बस हजरत साहब, इतना ही इल्म था आपके पास? अब आपको बोलने की इजाजत नहीं, मेरी बारी है। जितना भी पढ़ लो फूट लो, आमिल साहब दिल नवाज पे कोई जोर नहीं चलेगा। साहब, साहब देख रहे हो आज़ा साहब कितनी तकलीफ में। ये तुम क्या कर रही हो तलवास? छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। क्या साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो भी एक गैर के लिए। जब अपनी बीवी तकलीफ में थी तो आपके चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने कहा वो बहुत ताकतवर है, क्या करें, उनका इल्म इतना नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं काबू पा सकते उस पर। खालिद, तुम तो कहते थे कि वो बहुत इल्म वाले हैं, बीमारों को तंदुरुस्त कर देते हैं। तंदुरुस्ती तो अल्लाह की जात के इख्तियार पे है, ये लोग क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना, अमल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोई दम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अरे वही मतलब है ना मेरा, मामला तो अपनी जगह पे वही का वही है, अब क्या होगा खालिद? अब जाहिर है कोई और पीर फकीर ढूंढेंगे, कोई इससे ज्यादा समझदार, कोई ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग। खालिद, तुम शाह साहब से कहो ना कि वो क्या अमल करना चाह रहे थे, किलवाना, कम से कम वही हमारे घर में कर दे, कम से कम हम तो महफूज रहे ना। हाँ, किरण के घर को इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन पता नहीं शाह साहब ये भी करने पे आमादा होंगे कि नहीं।
बकवास। तुम्हें उससे मिलने के लिए भादराबाद वाले मकान में जाना होगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम जब उसके पास होगे तो उसका सारा ध्यान तुम पर होगा और इसी दौरान मैं अपना अमल कर लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इसका ध्यान कहीं और नहीं जाए। ये एक तरीका है। दिलनवाज, दिलनवाज, कहाँ हो तुम? दिलनवाज, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा साहिब। पूछोगी नहीं कि मैं अचानक क्यों आया? आपका आ जाना ही काफी है, फिर सारे सवाल, गिले, शिकवे सब खत्म हो जाते हैं। दिलनवाज को एक सुकून सा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब किसी चीज की तलब नहीं। अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती दिलनवाज? क्या चाहिए साहिब, बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने में दिलनवाज को एक लम्हा भी नहीं लगेगा। फिर वादा करो, वादा करो कि तुम किरण के करीब ही नहीं जाओगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वादा करो, कभी भी नहीं। प्लीज वादा करो मुझसे। यहां ये बात करने के लिए आए हो साहिब? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो, बोलो, जवाब दो। धागा उतार दूं, मैं उतार दूं धागा? ये चाहती हो ना तुम, ये चाहती हो। क्या फायदा, क्या फायदा इस मोहब्बत का जिसमें मेरी मर्जी, मेरा दिल ही शामिल? जवाब दो, बोलो। तुम नहीं चाहती कि मैं दिल से तुम्हें चाहूं, दिल से अपनाऊं, दिल से प्यार करूं, दिल से मोहब्बत करूं तुमसे? जवाब दो। दिलनवाज सिर्फ आपको चाहती है साहिब, लेकिन आपके दिल तक जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझे दिल से अपना ले। खुदा के लिए मैं अपने और आपके रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही साहिब, क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप तो जरा भी मेहनत नहीं कर रहे। थोड़ा सा साथ दे दो साहिब, बस करो मेरा और इम्तिहान ना लो, मुझ पर तरस करो, मेरी मुश्किल आसान कर दो साहिब। लीजिए, अब आपका और आपके पड़ोस का दोनों घर महफूज हो गए। अब तो यहाँ नहीं आ सकती है ना वो साजी? जब तक आप इजाजत ना दें, वो हिसार तोड़कर इस घर में कभी नहीं आ सकती। हम इस चुड़ैल को क्यों इजाजत देंगे अपने घर आने की? साजी, लेकिन बाहर हमें वो कोई नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, ये मसला तो बरकरार है। इसका जब तक मुकम्मल सदेबाप नहीं हो जाता, तब तक ये परेशानी तो रहेगी। तुमने किरण के जरिए उसकी माँ से झूठ बोला। तुम सिर्फ एक झूठ हो और कुछ भी नहीं हो दिलनवाज, और कुछ भी नहीं हो।
हेलो हमा, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। अम्मा का फोन था, जा रहा हूँ। फिर कब आओगे साहिब? पता नहीं, और शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। देखो धनवास, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे भूल जाओ। क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बना रही हो मेरे लिए? तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकती। और अगर हो सके ना दिलनवास, अगर हो सके तो मुझे एक ख्वाब समझ कर भूल जाओ, क्योंकि ये सब एक ख्वाब ही है, हकीकत तो हो नहीं सकता। भूल जाओ? वाह साहब, कौन? सलाम अलैकुम। अरे मारिया, तुम? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं आंटी, आपको मुझे अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। मैं जानती हूँ अम्मी ने आपको मेरी वजह से बहुत बुरा भला कहा, आपको कोई कॉल भी नहीं की। नाराज होंगी ना आप उनसे? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। इसका मतलब है आप मुझे अंदर आने का कहते हैं? हाँ हाँ, मैंने इजाजत दे दी है तुम्हें अंदर आने की, वरना मैं हाथ पकड़ के तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। चलो आओ। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। और अम्मा कैसी है तुम्हारी? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या पकाया है? पुलाव, कोरमा और सैलेड बनाया है। अच्छा, घर में चावल तो थे नहीं? थे चावल, वहां ऊपर रखे हुए। अच्छा, मैं भूल गई होंगी शायद। मैंने बिल्कुल वैसा कोरमा बनाया जैसा आपने बनाया था उस दूसरे वाले घर में जब मैं आई थी, याद है ना आपको? अरे ना बाबा ना, शुक्र है उस घर से हमारी जान छूटी। उस मनुष्य घर का नाम ना लेना बेटा। मैंने कोरमे में केवड़ा नहीं डाला, फवाद को पसंद नहीं है ना? हाँ हाँ। अच्छा तुम थक गई होगी ना, जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। अंकल और फवाद को भी बुला लूँ? हाँ हाँ बुला लो, चल बुला लो, मैं निकालती हूँ खाना। हेलो। हेलो, हाँ फवाद, अम्मी स्कूल से निकल गई हैं। बोलो क्या हुआ? तो तुम यहाँ आ रही हो कि मैं आऊँ? ठीक है, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, ओके। सारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी ज्वेलरी अभी बाकी है, और ज्वेलरी हम लोगों ने लेनी है। मैं ज्वेलरी शॉप पे जाऊंगी, ठीक है? और आपको पता है मैंने एक ड्रेस देखा है, बहुत ही। अरे मारिया, तुम यहाँ? रशीदा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब तो दूर रहो मेरी बच्ची से। मुझे माफ कर दो हमीदा, अब तो हमने वो भूत बंगला भी छोड़ दिया है। इसके जिस्म पर अभी भी नील के निशान है, और तुम कहती हो माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ। समझाओ ना अपनी माँ को बेटा। आंटी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही गलती पर थी, मुझे उस घर में आना ही नहीं चाहिए।
फवाद तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन बेटा तुम अब हमारे घर आई हो, सबने तुम्हें कितना प्यार दिया है, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। ये क्या कह रही है मारिया? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी आप क्या कह रही हैं? मैं तो कल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अम्मी मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ, आप बताएं आंटी को। क्या हो रहा है इसको? पता नहीं क्या कह रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब आंटी को नीचे से मैं खुद ही निकल रही हूँ, तो बहुत डर लग रहा है। तो कहिए से ना दूर से, वो तो आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी, बदल गई थी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो आपके लिए कभी नहीं बदली। सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास चली आई थी, क्या कमी रह गई थी मेरी खदमतों में बोलो। लेकिन नहीं, आपको तो उस किरण से ही मोहब्बत करनी है, उसी के पास जाना है। अब मैं आपको उसके साथ एक लम्हा भी गुजारने नहीं दूंगी। मारिया, मारिया बेटा, फवाद, फवाद जल्दी आओ, फवाद, फवाद मुझे फोन करके बताना। फोन तो उसका यही रह गया, कैसे कॉल करेगा मुझे। फवाद जी, बाजी इसे क्या हुआ है यार? क्या हुआ? बेहोश पड़ी है। इसके लिए पानी पानी। कब से पता नहीं, मैं तो अभी बाहर निकला हूं तो। मारिया, मारिया नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अच्छा अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। सुमित्रा तकलीफ कब से करने लगी, आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। बस इनका जो हाल किया तुमने, ये ठीक है क्या? साफ कर दूंगी। नहीं बेटा हो जाएगा साफ, तुम क्यों करोगी साफ? नहीं बाजी, गंदा इसने किया तो साफ भी यही करेगी। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम, मेहमान है वो हमारी। आप इसे नहीं जानते, ये शुरू से ही ड्रामे पास है। क्या तुम्हारी माँ कहाँ रही? मुझसे कह के कि मेरे आने तक घर पे ही रहना, खुद गायब हो गई। अब कह देना कि मैं जा रहा हूं। पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो, मुझे रिसीव कर लेना चाहिए। हेलो। हेलो, ये फवाद का फोन है ना? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी फवाद से बात करवा दीजिए। आप मुझे बता दें कि आपको क्या बात करनी है, फवाद इस वक्त मौजूद नहीं है। आप उनकी वालदा से मेरी बात करवा दें। दरअसल फवाद अपने घर पर है और वो अपना फोन यहाँ पड़ोस में भूल गए। आप किरण बात कर रही हैं? आप कौन और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? किरण, मैं
जहां आरा बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में कितना जानती हैं, लेकिन हमारी गुलाम जिन दिलनवाज इस वक्त फवाद के घर में मौजूद है। आप फवाद को कहें कि मुझे फोन कर लें और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊं। कम से कम किरण के जिस्म में से तो मुझे कुछ नहीं कहोगे। दिलवास? नहीं दिलवास, ऐसा मत करो प्लीज। किरण के जिस्म से निकल जाओ प्लीज। क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आपको तो इतना साबियत तक नहीं होता। इतना बेहस होता है इंसान, किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं होता दिल में। इतना जालिम होता है इंसान। देखो दिलवास, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, मुझसे है ना तुम्हारी लड़ाई। किरण को बीच में मत लाओ प्लीज, उसे छोड़ दो, उस पे जुल्म मत करो प्लीज। प्लीज प्लीज देखो, इसको बेचारी को बीच में मत लाओ, इसको तकलीफ ना दो प्लीज। प्लीज दिलवास, प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। लड़ाई तो किसी से भी नहीं है, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। बस इसीलिए तो मैं बेबस हूं। किरण को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, या फिर अगर समझ आता भी है तो शायद समझना नहीं चाहते। तो बस नहीं, मेरी मोहब्बत छीनने का कोई हक नहीं है आपको। किरण से मोहब्बत करते हैं ना, किरण पसंद है ना, तो बस ठीक है, आज से मैं किरण। ताकि आप किरण से मोहब्बत कर सके, यानी मुझसे मोहब्बत कर सके, क्योंकि मेरे पास तो ये आखिरी हाल है। मैं तो इस तरह आपको नहीं छोड़ सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। नहीं तो तुम ये कैसे कर सकती हो? वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी खुद के अंदर, तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कमजोर है, तुम जानती हो ये बात, वो कमजोर है। तो ये धागा उतार के फेंक देना और चले मेरे साथ घर, उस घर जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना आपको, जिसे हम दोनों साथ मिलके बसाना था। आपको पता है वहां पर एक एक चीज आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं तैयार। जहां भी तुम लेके जाना चाहते हो ले जाओ, इसके जिस्म से निकल जाओ प्लीज। फवाद, तुम उस भूत बंगले में नहीं जा सकते, तुम अकेले उस भूत बंगले में नहीं जा सकते बेटा। मत रोके मुझे, नहीं बेटा मत रोके, नहीं। मैं अपनी वजह से किरण की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मत रोके। नहीं, तुम किरण हो या दिलनवाज, जो भी हो, तुम कैसी औरत हो? अम्मा मुझे मत रोके, मुझे मत रोके। माँ से उसका बेटा कैसे छीन सकती हो? तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। मुझे मत रोको। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मत रोको। नहीं मेरे बच्चे, नहीं कर। फवाद नहीं होता। अम्मा मुझे मत रोको। नहीं फवाद, फवाद नहीं। माँ मुझे मत रोको। नहीं फवाद, इसे मत उतारो बेटा। फवाद इसे मत उतारो। फवाद, फवाद हेलो। अब ना मेरे हाथ में कोई धागा है और ना ही कोई रुकाव, जहां लेके जाना चाहती हो ले जाओ। अब जबकि धागा आपने उतारे दिया है, तो मैं तो आपको कहीं भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, मोहब्बत में एतमाद जरूरी है। अब मुझे आप पे एतमाद, जा रही हूँ मैं, और वहां जाके आपका इंतजार करेंगे। जल्दी आना। किरण, 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 किरण,
किरण आगे खोलो, किरण किरण फवाद, किरण वो पानी है, किरण किरण आगे खोलो, किरण किरण फवाद पागल मत बनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर मैं ना गया तो किरण मर जाएगी। बेटा हम कोई हल निकाल लेंगे ना। इसका कोई हल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें चुड़ैल के पास नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें मार डालेगी। और अगर किरण मर गई तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। नहीं मेरे माँ मुझे जाने। फवाद मेरी बात तो सुनो बेटा, फवाद फवाद किरण बेटा तुम ठीक तो हो ना? फवाद कहाँ है? बेटा बेटा तुम आराम करो, आराम करो। अम्मी फवाद चला गया, फवाद किरण किरण फवाद फवाद आंटी फवाद चला गया, आपने उसे रोका भी नहीं। चला गया हमारा फवाद, तुम्हारा दिया हुआ धागा उसने उतार लिया था ना, चला गया वो उस भूत बंगले में, कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो चुड़ैल उसे